तुझसे डिनर के लिए ये गार्लिक नान और ये चिकन, इंडियन खाना प्रॉपर मिल गया मुझे, तो चलिए टेस्ट करते हैं। खाना कैसा है? अपने इंडिया जैसा नहीं है, लेकिन जैसा है बढ़िया है। इंडिया से इतने दूर आकर वो थोड़ा बहुत भी अगर इंडियन टेस्ट मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया है। आई नो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्या यार बाहर जाके भी इंडियन खाना, कि जब आप बाहर आओगे तब आपको पता चलेगा। एक दिन आप अलग अलग खाना खा लोगे, वो क्या मकड़ा तो क्रैब, तो दूसरा दिन आपको घर का ही खाना चाहिए। भाई हम लोग इंडियन है, हमारा टेस्ट एकदम मतलब देसी है, अजीबो गरीब टेस्ट है अपना। हर टाइप का टेस्ट अपने को चाहिए, तो एक टाइप का खाना खाके पक जाते हैं। ये अपना इंडियन खाना बेस्ट। चलिए फटाफट खाते हैं। खाके लाइम सोडा बना रहा है, देखो एक्टिंग कर करके बना। एक्टिंग की बादशाह हो तुम। क्या वो एक है ना मीम, वाह वाह एक्टिंग की बादशाह हो तुम। पता नहीं कितना नमक डालना है, डाल देते हैं नमक। पीना तो तुमको ही है वैसे। अरे बाप रे बाप, इसका चार चार पैकेट फट गया। जल्दी पीते हैं, मम्मी का खाना भी ठंडा हो रहा है, तो जल्दी जल्दी बनाओ। हमने कोलैबोरेशन का परमिशन लिया हमसे। अच्छा, परमिशन की जरूरत है? व्हाई नॉट, मेल पहले आपको मेल करना चाहिए था। अच्छा पहले मेल करो, अगला क्रिएटर मतलब करने का। जल्दी से लाइम सोडा बनाओ फटाफट, बिना बकवास किए। कैसा लाइम सोडा होगा पता नहीं। अच्छा ही होगा, नहीं होगा तो और नमक डाल देंगे और नींबू डाल देंगे। नींबू में पानी नहीं है, वैसे नींबू में पानी नहीं होता है, रस नहीं है। पता नहीं ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या लाइम सोडा बन रहा है सॉल्टेड। लेट्स ट्राई। हाउ इज दैट? नॉट बैड, थोड़ा नींबू कम है। खुद बनाए हो इसीलिए। यू कैन ट्राई, थोड़ा नींबू कम है, मैं तो बोल रहा हूँ नींबू कम है थोड़ा। यहाँ के नींबू में दम भी नहीं है, वो हम लोग वाले हैं। हम लोग का एक नींबू भाई खिला दो हालत खराब, खट्टा ही नहीं हो पा रहा है। जो सारे पड़े हुए सारे डाल लो, फिर ज़्यादा भी हो जाएगा तो पी नहीं पाएंगे ना, वेस्ट हो जाएगा पूरा। दैट्स इट, इतना एनफ है मेरे को लगता है। I'm a rider, go rider. अब लग रहा है मेरे को अच्छा बना होगा। Really good. सही में बढ़िया बना है। बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है, कम से कम तुमको लाइम सोडा खुद से बनाने तो आता है। मेरे पे रहता तो और अच्छे से बनाते हैं। तो चाट मसाला डाल के, ब्लैक पेपर डाल के, वो और अच्छा होता है। फिलहाल जो मिला है उसी को फिनिश करते हैं फटाफट। चलो होटल में, मम्मी का खाना ठंडा हो रहा है, फिनिश करो फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह जब हम लोग निकल चुके हैं बाली डॉल्फिन, जो यहाँ से हम लोग मूषा पनिंदा कुछ बोल के जगह वहीं जा रहे हैं, तो सुबह का माहौल कुछ इस तरीके से जैसा कि देख सकते हो, तो जैसा जो होता है आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ से हम जा रहे हैं मूषा पनिंदा आइलैंड, जो कि बाई शिप जाना है, स्टेट ऑफ जैसा जो होता है बताएंगे। ऐसे हम लोग बोट के थ्रू यहाँ आए और अभी हम लोगों ने कार लेके ये क्रिस्टल बीच साइड में हम लोगों ने आया, तो देखते हैं यहाँ पे जैसा कुछ होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हो क्रिस्टल बीच का क्या ही कहने, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है।
हनुमान की तरह नहीं है लेकिन बढ़िया पीछे। तो मैंने बहुत सारी फोटो वीडियोस फोटोज वगैरह लिया है जो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिल गया है। तो आई होप कि आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी यहीं पर आ रहा हूँ। पहन के मैं शूज़ पहन के आई थी, बट शूज़ का देख सकते हो कैसा ब्रांड वॉश किया मेरा, इतना एक्सपेंसिव शूज़। उसके बदले ये स्लीपर दिलाया। फिर वो वहाँ पे फिर हम लोग नारियल पानी भी पीने तो लेके आने वाला है, और व्यू का कुछ ऐसा नज़ारा जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो बीच से फोटो वगैरह वीडियो वगैरह होने के बाद हम लोगों ने नारियल पानी लिया था, जो कि हम लोगों को नारियल पानी पीना हो चुका है। मम्मी से पूछता है कैसा लग रहा है, कैसा है नारियल का पानी? बहुत मीठा है। मीठा है प्लस उसके साथ मलाई भी दिया है। मलाई भी तो भर के दिया है पूरा। हाँ, पूरा भर के दिया। और हम लोग का वहाँ से बहुत बड़ा साइज है ना नारियल का, तो वही हम लोग का अभी यहाँ नारियल पानी पीना हो जाएगा। तो हम लोग निकलेंगे अभी दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। कौन सा जगह है मुझे इतना नहीं पता, गाड़ी में जाते ड्राइवर से पूछेंगे उसके बाद बताएंगे। तो जैसा कि देख सकते हो आप लोग, ये हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा वो ब्रोकन ब्रिज जहाँ पे हम लोग को जाना है, और रास्ते का हाल देख ही सकते हो आप लोग। वही हमारे ड्राइवर जी हैं, तो ये मैं लेके जा रहा हूँ। तो चलते हैं, आराम से जा रहे हैं नीचे। लेकिन नीचे जाने के बाद व्यू तो मुझे कमाल के दिख रहे, आप लोग को भी दिख रहे हैं। तो व्यू कुछ इस तरीके से, चलिए प्रॉपर नीचे जाते हैं उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। व्यू देख लीजिए आप एक बार। नीचे जाने के बाद ऐसा नहीं लगे, रिग्रेट नहीं होगा कि हम नीचे क्यों आए। इतने रिग्रेट हो रहा है इस वाले साइड में, वो उधर है ब्रोकन बीच। जाते हैं, चलते हैं। रास्ता बहुत ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे है, लेकिन जाते फाइनली पहुंच गए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, व्यू के क्या ही कहने, अमेजिंग सा व्यू है। और ये सारे व्यू तो मैं बस इंस्टाग्राम मूवीज़ में ही देखती थी, बट मैं अभी रियल देख रही हूँ तो एक अलग ही वाइब्स आ रहे हैं यार। बहुत ही अमेजिंग वाला फीलिंग आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है, जितनी भी टाइप हो उतनी कम। आप लोग देख सकते हो पीछे ये ब्रोकन ब्रिज, यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा पिक्चर वगैरह और वीडियोज़ वगैरह बनाया, पिक्चर वगैरह भी क्लिक करा। बहुत ही बढ़िया जगह है। और अभी तो थोड़ी देर के लिए बारिश भी हो रही थी, तो अभी पता नहीं यहाँ का वेदर कुछ अलग ही है, कभी बारिश कभी धूप, कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसे आप लोग देख सकते हो पीछे अभी भी फोटोज वीडियोज के लिए पूरी भीड़ लगी हुई है। तो एक्सपीरियंस बोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहा। और रही बात जो हम लोगों ने वो बहुत मेहनत से जो हम लोगों ने आया, तो उसके लिए बोल नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आए जो वो बेकार नहीं होगा, टोटली वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट। तब नेक्स्ट जहाँ भी जाते हैं आप लोग इसे बताते ही हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तब तक लिस्ट स्टे ट्यून गाइस। और एक बात बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ अपने हॉलीडे। कैसा लग रहा है, हालत खराब? दुनिया का बोझ मैं उठाता हूं। तो जैसे रास्ता देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ से गया वापस आए, तो एक वाटरफॉल जो था जो मैंने पूरा नीचे जाके वो दिखाया था आप लोगों को, लेकिन इसने मना कर दिया था। ओए अभी कैसा लग रहा है वो चढ़ाई उतराई करके? इजी है, तो क्यों नहीं गए उस टाइम वाटरफॉल जाओ, मैंने कहा था चलने के लिए। इस तरीके से बोल रहा है, इसका अंदर से बहुत हालत खराब हो चुका है और मेरा भी हालत वैसे खराब हो चुका है। तो चलो कुछ खाते पीते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।
ये मेरा आज का लंच होने वाला है और ये आइस टी, फर्स्ट टाइम यहाँ का आइस टी मैं ट्राई करूँगी। वैसे टी तो मुझे मिला नहीं यहाँ पे, बट ये आइस टी ट्राई कर लेंगे। फिलहाल ये लंच है, लंच करते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट तो वैसे स्किप हो चुका है। और मम्मी का यहाँ पे राय फ्राइड राइस और इसका भी फ्राइड राइस है, तो हम लोग फटाफट लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली हम लोग लंच करने के बाद आ गए क्लिंकिंग बीच। तो ब्रोकन बीच में जैसे हम लोग को ट्रैकिंग करके जाना पड़ा था, सेम लाइक उसी तरह यहाँ भी जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। और बोल रहे हैं कि व्यू थोड़ा अलग होगा, लेकिन जाने का जो तरीका था, रास्ता जो था, बोल रहे सेम होगा, थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है कैसा नहीं है। फिलहाल अभी तो प्लेन जैसा रास्ता लग रहा है, ट्रैकिंग का भी आएगा रास्ता, जैसा जो होता है आप लोग साथ शेयर करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का रास्ता क्लिंकिंग बीच जाने का, सेम लाइज ब्रोकन बीच। चढ़ने में थोड़ी सी हालत खराब हो गई, बट इट्स ओके, व्यू तो अभी के कमाल के दिख रहा है भाई। जहाँ से भी जाओ वहाँ व्यू दिख रहा है, और व्यू तो कमाल के मिल रहा है। ऐसे ट्रैकिंग करके आ रहे हैं लेकिन इतने अच्छे व्यूज मिलेंगे, कांट इमेजिन। जो भी हो, ट्रैकिंग करके आ रहे हैं बट वो वर्थ इट हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाकी व्यूज़ के तो क्या ही, क्लिंकिंग बीच आकर तो बस फोटोज़ वगैरह हमारा क्लिक हो गया, और व्यूज़ में आती क्या करें, तो पूरे फोटो जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बस अब कुछ करने का है नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग हार्बर जाएंगे और वहीं से फिर शिप लेंगे, फिर वापस अपने होटल। फाइनली मैं हार्बर पहुंच चुकी हूं, हम लोग हार्बर पहुंच चुके हैं। अब यहां से हम लोग डायरेक्ट ऊटा जाएंगे, वहां से फिर अपने होटल जो रामायण अपना होटल है। तो वो तो सामने हमारा बोट है, जैसे देख सकते हो बोट है, उसी बोट में जाना है। चलिए अब जैसा जो होता है आगे बताएंगे। और वैसे मैं कार में सो गई थी, बहुत तेज़ नींद आ रहा था, थक गया था, तो वही सो गए थे। अभी जाते हैं डायरेक्ट अपने होटल, होटल से वीडियो को कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और रूम में आते ही मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रहा था। और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ, और देख सकते हो ये मैंने सेराडोन लिया है। जैसा कि देख सकते हो सेराडोन यहाँ, मतलब बाली इंडोनेशिया का सेराडोन जैसा, ये हम लोग के इंडिया में सिर्फ सेराडोन रहता है, बट यहाँ में सेराडोन एक्स्ट्रा बोल के कुछ है। तो बहुत रिलीफ किया ये, मैं ये खाकर मैं सो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही रिलीफ किया इस चीज़, जिसके वजह से मैं अभी उठ के रिफ्रेश थोड़ा फील कर रही हूँ। और ये वोमिटिंग का मैंने ले लिया है, हो सकता है ले के रख देते अगर कुछ होगा नहीं होगा ठीक है, लेकिन ले के रख देना तो सही है ना। और इसका मैं बता दूँ मेरे को कितना पड़ा, 49,818। मतलब आप इसको इंडियन रुपये में, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो जितना अमाउंट है 200 से डिवाइड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फाइनली मतलब इतना सारा घूमे ना, मतलब धूप ज़्यादा था ना, जिसकी वजह से थोड़ा धूप वगैरह लग गया, तो मेरा हेडेक बहुत तेज़ हो रहा था। वैसे यहाँ पे चाय का तंगी है, चाय नहीं मिल रहा है, तो एडजस्ट हो जा रहा था, लेकिन धूप के वजह से थोड़ा ज़्यादा ही हेडेक हो गया, तो जिसकी वजह से मैं आके सो गई। और ट्रिप की मैं बात करूँ तो ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। फर्स्ट एक्सपीरियंस इंटरनेशनल ट्रिप का मैं मतलब वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट जो भी बोलो, ये ट्रिप जो मेरे लिए बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। नए नए जगह, मतलब जिस जगह को मैं बस टीवी और मूवीज़ में देखती थी, आज उस जगह को मैं विज़िट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बस आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ऐसा, बट उसके साथ साथ मैं जो इन ट्रिप को इन्जॉय कर रही हूँ उस टाइप के मैं ब्लॉग्स दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अभी मुझे निकलना है थोड़ा बाहर लोकली में, तो देखते हैं जैसा जो होता आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो कपड़ा वगैरह मैंने चेंज नहीं किया, बस दवा खाई और सो गई जाके। तो अभी बाहर, अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, जैसा जो माहौल लोग आप लोग साथ शेयर करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड गाइस, और वीडियो अगर मेरा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो मैं वीडियो को बाहर से कंटिन्यू करती हूँ, कुछ रहेगा दिखाने को तो ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट डिनर ही दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते, फटाफट ड्रेस चेंज कर लेते। आज का डिनर हम लोग का यही होने वाला है, मैकडी से वे बर्गर, चिकन बर्गर, और मैकडी नगेट्स, चिकन नगेट्स। और ये फैंटा, फैंटा का कलर देख सकते हो आप लोग, कुछ अलग ही कलर है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर डिनर करने कुछ निकलेंगे तो दिखा देंगे, तो बस यही आज का डिनर होने वाला है हमारा। तो डिनर करके निकलते हैं। तो
मैकडी से निकलने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में आए जहाँ इंडियन खाना मिलता है, जैसा ये देख सकते हो। यहाँ के रेस्टोरेंट वालों ने ये सिवमई बोल के कोई डिश है तो ये रिकमेंड करा है कि आप ये ट्राई कर सकते हो, तो देखते हैं ये ट्राई करके देखते हैं। नाम भी कुछ अजीब सा है ना, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट रूम में आई हूँ डिनर वगैरह करके, और डिनर की मैं बात करूँ तो डिनर में मैकडी में हम लोगों ने फर्स्ट बर्गर एंड चिकन नगेट्स खाया। बर्गर तो उसने खाया और मैं चिकन नगेट्स खाई। उसके बाद हम लोग निकल गए इंडियन फूड के लिए, क्योंकि मम्मी को इंडियन खाना खाना था। तो इंडियन फूड के लिए हम लोगों ने वही इंडियन में रोटी और मटर पनीर जो डिश होता है जो हम लोग का, वो उनके लिए पैक करवाया। और वहाँ के शेफ ने कहा कि आप ये एक डिश ट्राई करो, ऐसे कुछ नाम था कुछ, आप लोगों को मैंने वहाँ भी बताया था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वो मैंने ट्राई करा, अच्छा था। ओवरऑल डिनर तो हो गया कम्प्लीट। और आज का डे की मैं बात करूँ तो आज का जो दिन था बहुत ही टायर्ड वाला दिन था, जो कि मैं बाहर से आके, मतलब जहाँ हम लोग गए थे घूमने वगैरह के लिए, नूसा पेनिदा आइलैंड से आने के बाद हालत ख़राब हो गई थी, मेरी स्पेशली ख़राब हो गई थी, जिसके वजह से मैंने मेडिसिन ली और मैं सो गई थी। उसके बाद गई तो आए तो थोड़ा भी फ्रेश लग रहा है, इसलिए मैं डिनर वगैरह कर पाई। और जैसा देख सकते हो मैं यही पहन के से ऊपर बस चेंज करा था, बस निकल गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे हो। तो मैंने सोचा चलो जैसा दिस वैसा वेस, उस टाइप के आउटफिट मैंने शॉपिंग भी करा था, जैसे कि आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा ही होगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। वीडियो मेरा अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। और कल है डे 4 हम लोग का, और कल कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे मुझे आइटिनरी में देखना होगा, बट आइटिनरी में देख के भी क्या फ़ायदा, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।